मधु कैटभ भट्ट की लीला को श्रवण किया है, तो क्यों नहीं हम सब भी मिलकर माँ का यशोगान करते हैं, जिनकी कृपा से मधु और कैटभ का वध संभव हो पाया। आप सब हमारे साथ माँ का यशोगान करेंगे। नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड की नौनी है। आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से हो रहे श्रीमद् देवी भागवत कथा के आयोजन में रेस कोर्स में मन्नू स्कूल के पास श्री गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज ग्राउंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो हम जुड़ते हैं सीधे यहाँ देहरादून की कोऑर्डिनेटर, देहरादून की संयोजक अरुणिमा भारती जी से। अरुणिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर आने के लिए पहले तो, और प्लीज़ बताइए कि क्या उद्देश्य है इसका, और जो साध्वी यहाँ आई है वो कहाँ से आई है? देवी भागवत कथा का आयोजन है और जो कथा वाचन कर रही है वो साधवी सुश्री आदिति भारती जी है। देशों में ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ महाराज की शिष्या है और समझ के माध्यम से जागरूकता पैदा कर रही है। तो 9 से 15 तक इस श्रीमद् देवी भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, खास करके महिलाओं की शक्ति को जगाने के लिए, बताने के लिए कि आपके अंदर साक्षात देवी का स्वरूप है। तो आइए, सुनिए, जुड़िए, और आपको अगर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेने हैं इनके तो आप खरीद सकते हैं। जब जब माँ का यशोगान कर